हाँ तो भाई साहब ये रहा HDF बोर्ड। प्लीज दोस्तों ध्यान से सुने, आप इसके बिल्कुल भी साइट पर मत जाना। भाई साहब एक हाई बेस बॉक्स मैं बनाने वाला हूँ जो भाई साहब फाड़ कर रख देगा, और गाइस एक सीक्रेट क्लास डी बोर्ड के साथ। तो भाई देखो मैंने इसका थोड़ा सा यूनिक डिजाइन कट किया है। गाइस इसके फायदा होगा आप इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरीके से यूज कर सकते हो जगह के हिसाब से। ऊपर से गाइस ये रिचार्जेबल होगा, हाई बेस होगा, आप इसे टेबल बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गाइस इसकी खासियत है पार्टी में, शादी में, भाई साहब रूम में, ऑफिस में, किचन में, धमाकेदार टॉयलेट में गाइस आप इसका यूज कर सकते हो। मस्त भाई, मजा आ जाएगा भाई इसके साउंड सुन के। चले गाइस ज्यादा वक्त नहीं लेते भाई साहब, ये रहा HDF और भाई साहब पहले इंट्रो देख लेते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ दो तरह के स्पीकर, एक है सब वूफर स्पीकर और गाइस एक है वूफर स्पीकर। जी भाई साहब देख सकते हो, आप देखो कितना हैवी बॉस ये भाई, रोला ही जमा देगा भाई साहब, उधम ना कट जाए तो भाई साहब आप मेरा नाम बदल देना समर कंट्रोल। तो चलो भाई साहब फटाफट इनके भाई हमें कटिंग करनी है। दोनों अच्छी कंपनी के अच्छी ब्रांड के भाई स्पीकर है, आई थिंक ओनिडा का है और भाई ये इंटेक्स का, ये ज्यादा मस्त है और भाई थोड़ा हैवी ज्यादा भी है, ठीक है। तो भाई साहब इसका आगे का पार्ट जो कि फेस है इसका, ठीक है। तो भाई साहब फटाफट इसमें हम दो कटिंग करते हैं जिससे गाइस ये स्पीकर इसके अंदर लगा सके। देखिए क्या मस्त लुक आ रहा है, काफी हैवी स्पीकर है और गाइस यहाँ मैंने बीच में एक कट किया है, देखिए कितना बड़ा कट है। एक्चुअली गाइस यहाँ मैं लगाने वाला हूँ एक VU मीटर जो गाइस 400-500 साउंड लगा देगा इस ब्लूटूथ स्पीकर में, काफी अच्छा लगेगा। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो और ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको गाइस पता लगी जाएगी। तो भैया यहाँ पर हम स्पीकर चिपकाएंगे, यहाँ पर गाइस भरेंगे हम पहले ग्लू गन, व्हाइट कलर की ग्लू गन भरेंगे और गाइस पीछे लाएंगे LED पीछे लाएंगे, जिससे गाइस जब ये ना भी चला गए तब भी अच्छा लगे अलग लगाओ बिल्कुल व्हाइट कलर का। मुझे लगभग 1 घंटा लगा है, 1 घंटा गाइस इसे फिनिशिंग देने में लगा है। आप गाइस इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो कितनी कमाल की फिनिशिंग है, ठीक है। चलो गाइस फटाफट इस पर लगाता हूं ग्लू गन, इसके अंदर भरूंगा बीच बीच में बस। तो लीजिए गाइस देखिए क्या मस्त लग रहा है, ठीक है। अब गाइस इस लाइन काफी अच्छी लग रही है और भाई मैंने कोई LED बाहर नहीं निकाली, सोचा भाई इस पूरी लाइन को रहने देते हैं, LED हम अंदर से लगा लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब LED की बात हो गई तो गाइस चलिए फटाफट बनाते हैं भैया इसका VU मीटर। तो भाई VU मीटर काफी तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब एक तरीके से 36 तरीके मोबाइल के 3600 तरीके यार, मैंने काफी बार बनाया लेकिन गाइस आज मैं बिल्कुल डिफरेंट बनाने वाला हूँ। इजी बहुत है अगर आपको कंपोनेंट्स मिल जाए, कंपोनेंट्स पर आते हैं। तो भाई साहब एक IC जो कि 3915 भी काम कर जाएगी, 3915 भी काम कर जाएगी, मैं फिलहाल 3915 ही आइस ले रहा हूँ। और भाई साहब एक 1K का रेस्टेंस क्वार्टर वाट में, और भाई साहब एक चाहिए प्रीसेट या वेरिएबल रेस्टेंस भी से कहते हैं, और भाई साहब चाहिए मैं कुछ LEDs, मतलब भाई हम कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे व्यू मीटर में, भाई बिल्कुल जरूरी है आप ग्रीन लो, येलो लो, रेड लो, जो भी आप तीनों को मिक्सचर ले सकते हो। मैं गाइस 5 लूंगा ग्रीन, 3 लूंगा येलो और 2 लूंगा रेड, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कनेक्शन बहुत दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा दीजिए गाइस, पहले मैं कर लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा, बल्कि डायग्राम भी दे दूंगा। पहला गाइस मैं कर लेता हूँ फटाफट चुटकियों में। तो ले जाओ भाई साहब सारे कनेक्शन, भाई साहब हो गए कनेक्शन, भाई साहब हलवा है। आपको देखने में थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे लेकिन भाई बहुत इजी कनेक्शन है, आप यहाँ पर गाइस एक डायग्राम देख सकते हो। तो भाई इस डायग्राम को आपको दिखा रहा हूँ, आराम से तसल्ली से कनेक्शन करो गाइस। इसके बारे में काफी बार कनेक्शन, काफी नए नए डायग्राम देखे भाई काम नहीं करते, ये डायग्राम गाइस काम करता है। अब यहाँ पर गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बॉस, भाई ये जो ग्लू गन मैंने लगाई है ग्लू स्टिक जो है गाइस ये कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, तो भाई ये सीधा आपकी आंखों में लगेगी। मैं आपको एक बार इस व्यू मीटर को चला के दिखाता हूं, भाई ये 12 वोल्ट चलता है, ठीक है गाइस ये 12 वोल्ट की बैटरी है, देखो बॉस इसकी जो लाइट बॉस भाई बहुत तेज जलती, देखो देखो कितनी तेज लाइट है, देख रहा ये लाइट भैया सीधा, देखो कितनी तेज लग रही, देखो कितनी तेज लग रही। आपको शायद कैमरे पे दिखाई नहीं देगी लेकिन भाई साहब ये आंखों में काफी तेज लगेगी। तो गाइस मुझे इस ग्लू स्टिक को हटाकर यहाँ पर मुझे व्हाइट पे लगानी पड़ेगी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तब भी गाइस ये आराम से LED से पार कर दे, मतलब यहाँ पर लाइट आपको दिख जाएगी अच्छे से। तो गाइस चलिए वो काम करते हैं। तो भाई साहब लाइट को निकलना बहुत ईजी है, नहीं है मैं सोच रहा था बहुत ईजी लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल है। देखो भाई ये जो ग्लू स्टिक है ना ये बेस्ट है इस चीज के लिए, तो भाई इसकी क्लियर लगा दूंगा इसके ऊपर और गाइस इसके ऊपर सीधा चिपका दूंगा भैया LED लाइट। या गाइस यहाँ पर एक आइडिया और हो सकता है, आप इन LED को घिस सकते हो सैंड पेपर से, थोड़ी सा भाई ये हल्की सी डल हो जाएंगी तो भाई ये सीधा लाइट नहीं मारेगी, पूरी LED जलेगी। भाई एक काम करते हैं व्यू मीटर से पहले ये स्पीकर भी चिपका देते हैं, क्योंकि भाई साहब मैं यहाँ पे स्क्रू शॉट नहीं रोकने वाला क्योंकि भाई यहाँ पर MD बोर्ड है और ग्लू गन अच्छे से रोक लेगी, बहुत अच्छे से भाई बहुत हार्ड ग्लू गन है, आराम से रोक लेगी। और भैया हमें पता भी लग जाएगी हमें कितने में लगानी है, ठीक है ये यहाँ लग गया और भाई ये
बिल्कुल गाइस मैंने फिटिंग की अच्छे से, ये थोड़ा भारी है ना, इसे देख लो फिटिंग मस्त है, अच्छा भी लग रहा है बोर्ड। चलो भाई साहब फटाफट ना चिपका देते हैं भैया, और एलईडी को भी चिपका देते हैं बीच का जो वी मीटर है ना। देखो भाई क्या मजबूत है चिपकाया, लेकिन भाई साहब ये थोड़ी सी गड़बड़ करेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही वेट है, तो भाई इस पर हम थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। पहले से अच्छे से लगा लेते हैं मस्त। तो भैया ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले तो भाई मैं सिंपल लगाऊंगा ये ग्लूगन जो गाइस मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें लगाऊंगा भाई साहब दो स्क्रू, ठीक है सेफ्टी पर्पस, और भाई ये बोर्ड के पाने निकले ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉशर लगा रहा हूँ। देखो भाई साहब बिल्कुल मस्त हो गया, मजबूत भाई साहब, अभी ना जाओ भाई कहीं भी। देखे भाई साहब ठीक है ये बॉस कहीं नहीं जाने वाला, देख ठीक है देखिए ठीक है मजबूत पक चुका है बिल्कुल मस्त। अब गाइस बीच की एलईडी लगाते हैं, बस वैसे यहाँ पे जो है पतली लेयर देखिए बस पूरा कवर कर दूंगा ये मान लो। तो गाइस तुम्हारे भाई के बाप की फैक्ट्री है ग्लूगन की स्टिक की, दो गाइस में से निकाल के लगा दे तब भी बर्बाद होती, अब यहाँ पे और मजबूती होगी। इसे थोड़ा देर सूखने देते हैं, जब थोड़ा सा हल्का रह जाएगा ना तब चिपका देंगे एलईडी को। ए फ्यू मिनट्स लेटर, चलो भाई साहब फटाफट इससे भैया चिपका ही देते हैं मेरा भाई साहब। भाई साहब ना जाना कहीं भी तब भूल जाओगे जाएगी कहीं भी। चलो भाई, और भैया आंखों में नहीं लगेगी, बस हो गया देखो सेट। तो ले जाओ भाई साहब, मैंने आईसीबी यहीं पर चिपका दिए हार्ड वाले ग्लूगन से, ये भाई कहीं ना जाने वाली। चलो भाई साहब फटाफट इसका थोड़ा सा बॉक्स कम्प्लीट करते हैं, अब इसका भाई बहुत सारे काम है यार, कहीं मत जाओ। तो ले गाइस भैया ये रुक नहीं रहा था गाइस, तो मैंने दो चुनों के सपोर्ट लेके, तो गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। वैसे गाइस हाँ मैंने अच्छे से भैया ग्लूगन भी लगा दिया, पहला गाइस फेविकोल लगा उसके तुरंत बाद भैया मैंने यहाँ पर ग्लूगन लगा दी, सब भैया रुक जाए। अब देखो भाई ये भाई काफी मजबूत हो गया, ग्लूगन भी लगाई और फेविकोल भी लगाया। चलिए भाई साहब फटाफट इसके कंपोनेंट्स पर आते हैं। तो भाई साहब मैं लगाने वाला हूँ ये 8673 वाला बोर्ड, भाई क्या मस्त है देखिए बॉस, मतलब भाई देखने भी काफी धांसू बोर्ड लगता है मेरे दोस्त। और भाई ये 40+40 वाट यानी कि 80 वाट का बोर्ड है, तो भाई बेस तो इसकी कमाल है भाई। मैंने गाइस सबको टेस्ट कर लिया, उसके बाद गाइस मैं इस बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, काफी मजबूत बोर्ड है, धांसू बोर्ड है, इसके कनेक्शन बहुत ही इजी है। और भाई इसका एक फायदा और भी है कि भाई ये आउटपुट 5 वोल्ट भी देता है, सबसे बड़ा फायदा ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 12 वोल्ट से गाइस ये चल जाता है, इसको कोई 24 वोल्ट 18 वोल्ट नहीं देने, 12 वोल्ट आराम से आप दोगे तो गाइस अच्छे से वर्क करेगा, प्लस ये 5 वोल्ट आउटपुट निकाल देता है, जिससे गाइस जो 5 वोल्ट का मॉड्यूल है ना आप आराम से चला सकते हो, अलग से आपको कोई भी ट्रांजिस्टर आईसी लगाने की नहीं पड़ेगी। तो भाई इसके कनेक्शन बताता हूँ बहुत ही, देखिए ये है ऑडियो इनपुट, ये रहा ठीक है लेफ्ट ग्राउंड राइट ठीक, 5 वोल्ट देखिए गाइस ग्राउंड 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, जैसे गाइस हम 5 वोल्ट लेंगे जो कि मॉड्यूल होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल, स्पीकर का लेफ्ट राइट क्योंकि गाइस ये स्टूडियो है ठीक है, यानी कि दो स्पीकर आप लेफ्ट चला सकते हो। और देखिए यहाँ से इसे इनपुट देंगे 12 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट, जैसे गाइस हम इसे इनपुट देंगे यानी कि 12 वोल्ट, और इसका डिजाइन आप ऐसे देख सकते हो। इसके नीचे जो हीट सिंक है इसके नीचे गाइस यहाँ पर एक 8673 की आईसी लगी हुई है, वो मैंने चेक कर ली निकाल कर। तो गाइस फिलहाल मेरे पास लगाने के लिए सॉकेट है नहीं, तो गाइस मैं सीधा यहाँ पर सोल्डिंग करूंगा नीचे ठीक। इसके साथ भाई मैं क्या यूज करूंगा, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, क्योंकि भाई इसके अंदर नहीं आता तो गाइस हमें अलग से लगाना पड़ेगा। और गाइस का ये फायदा है कि भाई आराम से हम यहाँ पे से कनेक्शन कर सकते हैं, देखिए देखो बस यहाँ पर सीधे सीधे देखिए सीधे सीधे गाइस देखो सीधे सीधे कनेक्शन हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले फटाफट हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं गाइस। तो भाई साहब सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, कनेक्शन बहुत इजी है, देखो भाई साहब ये दोनों स्पीकर के लेफ्ट राइट, ये रहा ये पावर की, गाइस मैंने देखो इस वी मीटर के भी सीधा 12 वोल्ट नहीं दे दिए, देखो ये रहा ठीक है पतला वायर, यहाँ से अगले सीधा इनपुट 12 वोल्ट हम देंगे। और वैसे देखिए यहाँ से भाई सीधा देखिए जो इसका ऑडियो इनपुट है व्यू आई सी का ठीक है, देखिए हमें लगाया ये बीच वाला ग्राउंड है ये ऑडियो इनपुट है, व्यू मीटर का ये ऑडियो इनपुट है ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है ठीक है। और वैसे आप जानते हो सीधा सीधा लाइन है, कुछ भी ज्यादा नहीं है ठीक है, ये रहा सीधा लगा दे रहे बिल्कुल सीधे सीधे लगा दो ना, मैंने गाइस आपको बता दिया था बहुत सिंपल कनेक्शन है। तो गाइस अब इसमें भाई साहब रह रही है बैटरी, क्योंकि भाई इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर में फिलहाल नहीं लगाने वाला, तो भाई साहब मैं इसमें लगाने वाला हूं भाई ये 6 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी बीएमएस के साथ। और गाइस इसके कनेक्शन बहुत इजी है, यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, वरना गाइस बना के दिखाता वीडियो बहुत लंबी आती है बहुत ठीक, और काफी बना के दिखा भी दिए मैंने। तो भाई साहब ये ठीक है मजबूत बैटरी लिथियम आयन बैटरी का, इसी काफी लंबा चलेगी, तो ज्यादा पावर बोर्ड लेगा कंज्यूम करेगा तो बैटरी जल्दी डाउन ना हो ठीक है, तो भाई मस्त ये बैकअप बहुत अच्छा रहेगा। और भाई मैं इसे यहाँ से खड़ा कर दूं, देखे ऐसे भाई साहब देखे क्या मस्त लग रहा है, और भाई ये बैटरी यहाँ पर आराम से आ जाएंगे, इतना स्पेस है, मतलब स्पेस की तो भाई कमी नहीं है, स्पेस तो इसके अंदर काफी भर भर के है जो बात है, ये भाई नीचे आ जाएंगी और भाई ये भी नीचे रहेगा, तो गाइस ये जो ना यहाँ पर बैलेंस रहेगा ठीक है, अभी तो टेपर भी कर सकते हो। देखिए बॉस मैं इस बैटरी को कुछ ऐसे चिपकाऊंगा, देखिए बिल्कुल मिलाकर यहाँ से भी, जब भाई इसे लेटाल दो ना तो गाइस ये बैटरी इधर भी चिपके रहे, खड़ा कर दो बैटरी इधर भी चिपके रहे, तो गाइस आगे तक सोच चलना पड़ता है, हम तो गाइस इंडियन लोग पीछे का भी सोचते हैं भाई साहब, कुछ ज्यादा सोचते हैं। चले भाई साहब
इसमें कुछ चीज की और हमें जरूरत है, वो भी आपको दिखाता हूँ भाई। एक अच्छा वाला एस्पेस्ट स्विच, ये भाई मस्त वाला है, अच्छा वाला ये भाई 6 एम्पियर तक आराम से ले जाता है, आई होप आपको दिख जाए। और भाई सर एक डीसी सॉकेट, ठीक है, जिससे गाइस हम इस बैटरी को रिचार्ज करेंगे, पावर देंगे। और गाइस एक स्विच हमें और चाहिए, तो 3 एम्पियर का भी चल जाएगा, टिकटॉक स्विच आई थिंक इसे कहते हैं, पुश ऑन और पुश ऑफ है। लेकिन भाई सर ये स्विच हमें क्यों चाहिए? देखो बॉस, इसमें इंडिकेटर की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें हमने व्यू मीटर लगा रखा है, वो इंडिकेटर इसका काम करेगा। तो गाइस मैंने आपसे स्टार्टिंग मंगा दे कि भाई ये ट्रेबल का बहुत अच्छा काम करेगा, तो भाई इसमें लगाने वाला हूं ट्विटर। देखिए बॉस भाई छन 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 भाई से मजा आ जाएगा भाई। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, अगर आपको खाली बेस सुननी है तो गाइस आप इसे बंद कर दो, वरना गाइस छन छन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन भाई आवाज बहुत अच्छी लगती है। चलो गाइस ये सारी चीज भैया आपके सामने हो गई है, तो भाई फटाफट मैं इनके एक बार कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट टनाटन। देखिए बॉस इसके आउटपुट और इनपुट तो गाइस यहीं से होते हैं, ठीक है, तो भाई चार्ज सिस्टम ने यहीं से रखा है, ठीक है, ठीक है। आप इस यहां से चार्ज नहीं दोगे, 12 वोल्ट डीसी। और भाई साहब यहां से ऑन ऑफ का सिस्टम है, देखिए ये सीधा लगा दे भैया पॉजिटिव में, नेगेटिव में गाइस यहां पे मैंने स्विच लगा दिया है, और भाई साहब ये जा रहा सीधा बोर्ड में, ये रहा भाई साहब टूटर, ठीक है, ये सीधा स्पीकर में लगा ऊपर मैंने, देखिए रहा बस एक बीच में स्विच दे दिया है वाला, जिससे गाइस हम इसे ऑन ऑफ कर सके। एक्चुअल गाइस ये बहुत ही ज्यादा छन छन करता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन भाई ये बेस को खत्म कर देता है लगभग। ये सारे कनेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाए, ठीक है, अब गाइस करना ज्यादा कुछ है नहीं, इसकी भैया फटाफट बॉडी तैयार करते हैं। बॉडी तैयार, बस भाई चिपकानी है। तो लीजिए गाइस, देखिए बॉस क्या मस्त लग रहा है। प्लीज दोस्तों इसके साइज पर मत जाना, ये 80 वाट का एक बॉक्स है, बूम बॉक्स बोल सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर बोल सकते हो, कुछ भी गाइस आप बोल सकते हो। आप गाइस एक बार इसका लुक जोर देखो, देखिए बॉस, देखिए 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 भाई साहब, आप इसकी फिनिशिंग देखिए, ठीक है, और देखिए नीचे गाइस कुछ भी नहीं है, यहाँ मैंने कोई भी गिट्टी विट्टी पाया हुआ नहीं लगाए हैं, क्योंकि भाई हम इसे ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं और वैसे हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोनों साइड से। वो यहाँ पर देखिए एक टोटल लग रहा है, ये देख सकते हो, और भाई एक स्विच इसे ऑन ऑफ करने के लिए, इसे मतलब की झनका और ट्रिपल आप ऑन ऑफ कर सको, और वैसा भी ऑन ऑफ का स्विच। अब देखिए बहुत ये ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब कर तो भाई कैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो व्यू मीटर ना ये गाइस चलेगा ना अपने हिसाब से। देखिए मैं उसे ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ से ऑन होगा, देखिए बस देखा। तो गाइस आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, अगर जगह कम है आप ऐसे चलाओ, और भाई अगर आपको ऐसे चलाना हो जगह के हिसाब से, कहीं पर गाइस आप गाड़ी में ले जाओ इसे, गाड़ी के पीछे रखो, डिग्गी खोलो और खूब डांस करो। और गाइस यहां से आप इसे चार्ज करोगे, 12 वोल्ट डीसी आप इसे दोगे, जिसका इस बैटरी चार्ज होगी, और भाई इसका ये होल पास है, जिसका इसकी हवा एयर पास होगी, ठीक। चलो भाई मैं इसे ऑन करता हूं, और ये ऑटोमेटिक गाइस कनेक्ट हो जाएगा मेरे फोन से, ठीक। देखिए ऑटोमेटिक गाइस कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि भाई मैंने कनेक्ट कर लिया था इसे एक बार। मैं आपको इसमें कमी बताऊंगा गाइस, जो कमी है प्लीज दोस्तों बने रहिए, एक बहुत बड़ी कमी है गाइस, आप दूर कर सकते हो, मैं आपको उसका हल बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो भाई सबसे पहले बेस वालों को ही गान हो जाए, तो प्लीज दोस्तों हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि भाई सब टाइम आ गया है इस वक्त इसकी टेस्टिंग का, ठीक है। तो भाई से कोई मस्त धांस होता यहाँ पर मैं गाना चलाने वाला हूँ, और भैया कोऑपरेट आ सकता है, तो प्लीज दोस्तों कोऑपरेट आ जाए, तो गाइस ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा, नहीं आता तो गाइस आप सुन लेना। चलिए तो चले भाई से मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है, अभी खाली बेस बेस, देखिए हेडफोन लगा लीजिए। देखिए बॉस क्या मस्त आवाज आ रही है, अब मैं इसका ट्विटर खोलता हूँ, देखिए यहाँ से भाई साउंड काफी क्लियर हो गया पहले के मुकाबले। बहुत ही मस्त, तो भाई आपने देखा, खाली आप इसे बिल्कुल प्योर बेस की तरह भी यूज कर सकते हो बॉक्स को, और भाई टोटा चला के बिल्कुल HD के लिए आप सुन सकते हो, आवाज बहुत अच्छी हो जाती है टोटा चला के। एक गाना और देख लेते हैं थोड़ा। हाँ तो गाइस आवाज काफी HD क्लियर है। हाँ आप कह रहे हो कि समर भाई इसमें जो व्यू मीटर है पूरा नहीं उठ रहा, ये जो येलो लाइट है वहां तक तो भाई काम कर रहा है, रेड LED नहीं जल पा रही है। आई एम सॉरी गाइस, इसका जो प्री सेट है जो व्यू मीटर के साथ लगता है, जो मैंने 10K का लगाया था गाइस, वो मैं सेट करना भूल गया, मैंने लगा दिया। खैर गाइस वो बाद में सेट कर लेंगे, बड़ा इशू नहीं है। एक गाना गाइस मैं और चला के देख लेता हूँ, बस उसके बाद बस एंड करते हैं। थोड़ा प्लेन गाना है, जिससे आपको सारे साउंड क्लियर पता लग जाए अच्छी तरीके से, बेस भी है हर चीज है, बड़े मुश्किल से ढूंढा है।
तो भाई आपने देखा साउंड गाइस बहुत ही धांसु है, बिल्कुल HD क्लियर के साउंड है। और भाई व्यू मीटर के साथ तो ये कमाल बवाल का लगता है और आप इसे ऐसे चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये ऑल इन वन एक बॉक्स है, इसमें ट्रेबल बेस वेस सब कुछ है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर चीज, ठीक है। तो गाइस बाकी आप इसका लुक देख सकते हो, ये जगह भी काफी कम गहरेगा, आप इसे ऐसे कॉर्नर में कहीं पर रख देना। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और भाई जरूर बताइए ये बॉक्स आपको कैसा लगा।